तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं अपना डेली रूटीन जो मैंने खुद फॉलो किया था अपने बैंक एग्जाम्स के तैयारी के दौरान जी बिल्कुल। और साथ ही साथ उस तैयारी में क्या कसर क्या कमी रही थी, क्या डिसएडवांटेज क्या डिमेरिट्स थे जिसके चलते पहले बार में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, उसके ऊपर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे ताकि आप उस चीज को ओवरकम कर सके और आप अपना सिलेक्शन पहले ही बार में ले सके। मेरा नाम कौशिक मोहंती है और मैं रीजनल रूरल बैंक्स पे काम कर चुका हूं ऑलरेडी। और साथ ही साथ आपको मैं करियर डिफाइनर और अनय अकेडमी दोनों जगह पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूं। आज का ये सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज जानना होगा कि आपका डेली रूटीन डिपेंड करता है कि आप कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो। कैटेगरी से मेरे बड़े साफ मतलब होते हैं। कैटेगरी हमने दो वेज में रखा हुआ है, एक वो कसम के स्टूडेंट्स जो अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हैं, एक वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। ऑब्वियस बात है जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया हुआ है उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपना सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दें, और जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है उनको मैं ये कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और रिवीजन करें ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल पाए। सर थैंक यू सो मच। मैंने कहा क्यों सर, ये तो हमें पता ही नहीं था। मैंने कहा वो नहीं, कैसे करना है इफेक्टिव वे में, जैसे मैं क्या करता था उसके ऊपर बात करेंगे कि मैं कैसे अपना सिलेबस को कवर अप किया था और मैंने कैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था जैसे कि सिलेक्शन थोड़ा जल्दी आपको मिल सके। इसके लिए सबसे पहले हमें सिलेबस कवरेज कैसे करना है वो सीखना है। तो अगर अभी तक आपने सिलेबस कवर नहीं किया तो दीज आर समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, हाउ टू कंप्लीट द सिलेबस इफेक्टिवली। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एवरेज टाइम टू कवर द सिलेबस, सर ये क्या है? बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं कि सर ये जो बैंक एग्जाम्स का सिलेबस है वो कितने महीनों में कंप्लीट हो जाएगा, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, उसका कुछ आंसर है? इसका एक्चुअली में कोई आंसर नहीं है, बट ये मेरा डेली रूटीन है तो मैंने इस चीज को जितने दिन में कंप्लीट किया था मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं। तो मैंने इस चीज को 3 महीनों में कंप्लीट किया था, और जब मैंने इस चीज को 3 महीनों में कंप्लीट किया था तो कैसे कंप्लीट किया था वो भी एक बार बता देना पसंद करूंगा। मैंने अपना पूरा सिलेबस एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके कवरअप किया था, और उस ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में अगर मैं बात करूं तो हमारा 3 महीने में कैसे कोर्स कंप्लीट हुआ था आपको एक बार बता भी देता हूं, ठीक है? एक वीक में हमें 2 क्लासेस मिलते थे, क्वांट के, इंग्लिश के और रीजनिंग के, मतलब क्वांट के 2, इंग्लिश के 2 और रीजनिंग के 2। हालांकि जनरल अवेयरनेस के भी मिलते थे 2, बट हम नहीं करते थे, और यही ड्रॉबैक्स है, इनके बारे में भी बात करूंगा। तो अगर मैं क्वांट की बात करूं, इंग्लिश की बात करूं और रीजनिंग की बात करूं, अगर एक वीक में हमें 2-2 क्लासेस मिलते थे तो आप भी बताइए कि 3 महीनों में टोटल हर एक महीने में अगर 4-4 वीक है तो 3 × 4 हमारे पास 12 वीक होंगे, और हर वीक में 2-2 क्लासेस, मतलब 24 क्लासेस में हमारा क्वांट, 24 क्लासेस में इंग्लिश और 24 क्लासेस में रीजनिंग खत्म। इंग्लिश रीजनिंग की बात थोड़ा दूर रखिए, क्वांट की अगर मैं बात करूं, अगर 24 क्लासेस में वो भी 1-1 घंटे वाले में अगर उन्होंने सिलेबस कंप्लीट किया था, मतलब क्या है, 1 दिन में 1 टॉपिक, और वो 1 दिन के 1 टॉपिक में हमारा 1 दिन टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा, उसके अगले दिन पाइथन सिस्टम खत्म हो जाएगा, उसके अगले दिन टाइम स्पीड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, ऐसे खत्म हो रहा था। लेकिन वहां पे जो बेस्ट चीज था हमारे पास, जैसे बोलते हैं ना एवरीथिंग एक्सेस इज बैड, जब आपके पास चीजें बहुत ज्यादा हो जाते तो आपको मन करता सब करने के लिए, तो हमें लिमिटेड रिसोर्सेस था तो हम ज्यादा कुछ नहीं सोचे, हमें बस अपने एजुकेटर पे भरोसा था कि भाई ने बंदास तरीके से बेसिक तो सिखा दिए हैं, अब अपन को ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख के खुद से प्रैक्टिस करना होगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमने कैसे सिलेबस फिर कंप्लीट किया था, हम जो जो लेक्चर्स अटेंड करके आ रहे थे क्लासेस से वही पूरे के पूरे चीज का रिविजन दे रहे थे, और रिविजन देने के साथ जो आपका मेटेरियल बुक्स उस ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से हमने प्रोवाइड किया था वो बुक के क्वेश्चन उस चैप्टर के हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ऑब्वियस बात है आप भी स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट थे, तो हमसे भी सारे क्वेश्चंस नहीं बनते थे, तो जो क्वेश्चंस हमें नहीं बनते थे हम बस उसका सॉल्यूशन देखते थे और सॉल्यूशन से सीखते थे, अच्छा 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 ऐसा होगा, तो वहां से हमें कुछ नया नया चीजें देखने के लिए मिलता था जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो और बेहतर होता जा रहा था। तो 2 चीजें हैं यहां पे, आप इस प्रिपरेशन जर्नी में 50% और 50% लेके चलिए, कि एजुकेटर 100% एफर्ट दे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, एजुकेटर के साइड से आपको 50 चाहिए, आपके साइड से रिमेनिंग 50 चाहिए, और वो है वो ये कि सेल्फ स्टडी, उसका रिवीजन प्रॉपरली, और बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना और बुक्स के सॉल्यूशन से चीजों को और बेहतर तरीके से समझना और लिंकेज करना। तो वही करते 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 हमने 3 महीनों में अपना सिलेबस कंप्लीट किया था, और सिलेबस कंप्लीट करते वक्त ना हमारा कोई स्ट्रिक्ट रूटीन नहीं था, ये बड़ा साफ है, और ये सभी मैं आपके लिए भी सजेस्ट कर रहा हूं। कोई स्ट्रिक्ट रूटीन से मेरा क्या मतलब है, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ये सोचते हैं कि आज है, आज 2 घंटे में क्वांट को पढ़ूंगा, 2 घंटे में रीजनिंग पढ़ूंगा, 2 घंटे इंग्लिश, हमारा वैसा कुछ नहीं था। हम जो टारगेट रखते थे वो टॉपिक वाइज रखते थे, नॉट आवरली बेसिस कि मैं कितने घंटे पढ़ूंगा, क्योंकि अक्सर देखो आप जब एक एमेच्योर होते हो तो क्या आपको पता है कि आपको परसेंटेज पूरा का पूरा कवर अप करने के लिए वाकई में कितना समय लगेगा? नहीं ना। आपने तो देखा, अरे कौशिक सर का एक वीडियो परसेंटेज का कंप्लीट अरिथमेटिक प्लेलिस्ट का 4 घंटे का है, ये 4 घंटे का वीडियो देखने के लिए तो 4 ही घंटा लगेगा, तो आज परसेंटेज खत्म। गलत भाई,
तुम एक साथ चार घंटे अटेस्टेड नहीं बैठ सकते क्योंकि उसके लास्ट में हाई लेवल क्वेश्चंस है, कोई कोई चीज बीच में आपको दो तीन बार देखना पड़ेगा, तो ये आपको स्टार्टिंग में नॉलेज इस बारे में नहीं होगा। तो आप टाइम डेडिकेट मत कीजिए, बस ये डेडिकेट कीजिए टॉपिक वाइज से, मेरा मतलब है कि मैं कौशिक सर का पहले ये परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट करूंगा, उसके बाद कोई दूसरा चीज पे हाथ लगाऊंगा, वो चीज फोकस कीजिएगा। और यहां पे एक चीज और चीज ट्राई कीजिएगा, स्टे इन टच विद एवरी सब्जेक्ट, डोंट इग्नोर एनी सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मुझसे पढ़ा तो आपको परसेंटेज समझ में आया, आपको मजा आया, आपने दूसरे सारे सब्जेक्ट को इग्नोर किया और सेकंड चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट किया, आपको और मजा आया क्योंकि बढ़िया बढ़िया टेक्निक्स वहां पे बताए गए, फिर आप वहां से कूद के चले गए प्रॉफिट लॉस सारे, और मजा आया। तो आप क्या कर रहे हो, अपना पूरा टाइम क्वांट पे दे दे रहे हो, तो वही गड़बड़ है। आपको सारे सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस रखना है। जैसे कि हम लोगों की बात करें तो हमारे दिन में दो जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे एक एक घंटे के, क्वांट के साथ हमारा इंग्लिश पढ़ाया जाता था, रीजनिंग के साथ हमारा जनरल अवेयरनेस। तो मैं जो करता था, क्वांट का एक घंटे का क्लास का रिवीजन दे रहा था, जो क्वेश्चंस बुक से वो बनाता था, इंग्लिश का एक घंटा मैं पढ़ नहीं पाता था, बस एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बनाता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो क्लास में पढ़ाए गए होंगे बस उसी को एक बार देख रहा था, क्योंकि मुझमें थोड़ा इंग्लिश का मतलब इंटरेस्ट पैदा नहीं हो पा रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड जेन्युइन। तो मैं क्वांट कवर कर लेता था, रीजनिंग कवर कर लेता था, लेकिन इंग्लिश वाला चीज जो है वो बस जो एजुकेटर ने पढ़ाया बस उसी को रिवीजन, तो कम से कम आप उतना तो कर ही सकते हो ना। और रही बात जनरल अवेयरनेस की, तो मैंने उसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं किया था, एंड दैट्स द ओनली रीजन कि मैंने सारे सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस डे टू डे बेसिस पे नहीं दिया था, डेली रेगुलर बेसिस पे नहीं दिया था। तो जनरल अवेयरनेस लास्ट के टाइम एक बर्डन बन गया और लास्ट के टाइम मैंने गिवअप कर दिया कि इतने कम समय में नहीं होगा, जो कि आप लोगों के साथ भी होता है कि आप लोग इंतजार करते हो कि प्री खत्म हो जाए फिर मैं जनरल अवेयरनेस पढ़ूंगा, करंट अफेयर्स पढ़ूंगा, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ूंगा, ना, उस टाइम पे जो है ना पानी हद से गुजर गया होगा और आपको ये इतना प्रेशर फील होगा, नहीं यार इतने कम टाइम में इतना चीज, इतना फास्ट चीज कैसे हो पाएगा, तो वहां पे आप लीव कर देते हो उस चीज को। और यही रीजन था जो मेरा पहले बार में सिलेक्शन रोक दिया था। आपको पता है मेंस में मेरे ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर हुए थे, मैंने आपके साथ स्कोर कार्ड भी शेयर किया हुआ है, लेकिन जनरल अवेयरनेस के कट ऑफ अगर 10.25 गए होंगे तो मेरा 8 या फिर 7.5 या फिर 2, मैंने एक मार्क भी देखा है शायद जनरल अवेयरनेस में, मुझे जितना याद है 0 शायद देखा है, यानी एक तो देखा है मैंने। तो वही चीज है, ये आपको कभी भी नहीं करना है, आपको सारे सब्जेक्ट्स के साथ टच में रहना है डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे। अब यहां पे एक चीज मैं इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं कि डेली रिवीजन सेल्फ स्टडी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कि अभी तो सर एक चीज आपके साथ मैं लिंक कर रहा हूं, मैं तो आपका रूटीन खाली देखने के लिए नहीं आया था, मैं आपके रूटीन से कुछ सीख के अपने रूटीन में डालने आ रहा था। आप तो बोल रहे हो कि आपके एक एक घंटे में चीजें खत्म हो जा रहे थे, मैंने कहा, और आप यहां पे हो कि प्लस में डेढ़ डेढ़ घंटे के पांच क्लासेस ले रहे हो एक एक चैप्टर के, मैंने कहा, तो मेरे लिए क्या करना है भाई, मैंने 1.5 आवर का क्लास लिया ना, तुम बिगिनर हो अभी, लर्निंग स्टेज में हो ना, तो तुम बस ये फोकस करना कि परसेंटेज या फिर जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, बस उसका रिवीजन, पीडीएफ आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, वो रिवीजन कीजिएगा और टेक्स्ट बुक से कुछ क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जैसे कि प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम बुक। मतलब आपको डेली बेसिस पे जिन जिन एजुकेटर्स को आप फॉलो कर रहे हो, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस के, जो वो पढ़ा रहे उतना रिवीजन तो मिनिमम देना है, और साथ ही साथ बुक से उसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस बनाने, जैसे कि आपका थोड़ा जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा और आप थोड़े कॉन्सेप्ट के साथ एक्वेंटेड होंगे। तो ये दोनों चीजों को आपको डेली बेसिस पे करते रहना है। उसके बाद आपका एक्स्ट्रा है कि आप किसी के YouTube के प्रैक्टिस क्लासेस कर रहे हो, किसी के फ्री क्लासेस कर रहे हो, वो कंप्लीट अलग चीज है, लेकिन ये मिनिमम, बेयर मिनिमम है। और यहां पे एक और चीज आता है कि सर कितने क्वेश्चंस मुझे एक बुक से प्रैक्टिस करने हैं। सर क्योंकि एक बुक तो काफी हेक्टिक है, काफी लंदी है, इसने इतने क्वेश्चंस, आप तो आगे निकल जाते हो, हम सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाते, कितने क्वेश्चंस एक टॉपिक से बनाने से हमें पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, आपका सवाल होता है ना, देयर इज नो एग्जैक्ट नंबर्स। तो सर क्या करें, अगर आपके पास एक छोटा बुक है, जैसे कि मैंने अपने टाइम पे अपना वो जो मटेरियल बुक जो आपका इंस्टीट्यूट है वो बहुत कम कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस रह रहे थे, तो उसको कवर अप किया था, तो उसमें मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि 30-35 क्वेश्चन ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा बुक है जहां पे मोर देन 100+ क्वेश्चन है, तो आप वहां पे ऑड इवन का क्राइटेरिया लगा सकते हो कि क्या मैं खाली ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चन करूंगा, 1, 3, 5, 7, इतना भी अगर पेशेंस नहीं हो रहा है तो आप मल्टीपल ऑफ 3 को जाओ कि 3, 6, 9, 12, 15, ऐसे करके। स्कूल में करते थे हम लोग ये चीज, उससे क्या होता ना, एक वाइड रेंज का हम पूरा का पूरा बुक्स के सारे पैटर्न के गो थ्रू कर देते हैं, और थोड़ा कॉन्फिडेंस बनता है कि मैंने सारे किस्म के सवाल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तो बना ही दिए हैं ऑलमोस्ट। और इसके बाद जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बनाने के बाद यहां पे एक चीज हमने लिखा है, डोंट गेट स्टक इन ए सिंगल चैप्टर। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जब आप क्वेश्चंस बना रहे होंगे ना बुक से, तो ऑब्वियस बात है हमसे भी एक जमाने में नहीं बना करते थे, तो आपसे भी कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, तो वहां पे हेजिटेट नहीं कीजिएगा सॉल्यूशन रेफर करने के लिए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या सोचते हैं ना कि हमने एजुकेटर से वीडियो देख लिया, पढ़ लिया, अब तो भाई सारे क्वेश्चन हमसे बनने ही बनने चाहिए, अगर नहीं बना तो ये चैप्टर मेरा क्लियर नहीं हुआ, एक भी क्वेश्चन अटक रहा है मतलब ये चैप्टर नहीं क्लियर हुआ। जब तक इस
पूरे के पूरे सारे क्वेश्चंस में ना बना दूं खुद से तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगा। तो वहीं पे क्या हो जाता है ना, आप स्टक होके एक सिंगल चैप्टर पे रह जाते हो, वो सबसे बड़ा ब्लंडर है। आपको आगे बढ़ते रहना है, बस क्वेश्चंस बुक से सॉल्व करने हैं, बुक्स के सॉल्यूशन देखने हैं, समझने हैं, उसको अपने में समाने हैं और टीचर के मेथड के साथ थोड़ा लिंकेज करने हैं कि सर ने एलसीएम कहा था ऐसे लेके करने के लिए, ये वन बाय दे रहा है, थोड़ा ये मेथड को मर्ज करें। अरे ये तो सेम ही सर, सर ने जो मेथड कहा ये तो बुक वाला मेथड वही है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना कि मेथड्स अलग नहीं होते, मेथड्स सारे के सारे सबमर्ज होके एक ही जगह पे आके मिलते हैं, तो जिस दिन आप वो मिलने वाला चीज को निकाल लोगे ना, उसी दिन जानना कि तुम्हारा तैयारी रेडी हो चुका है। तो ये खुद से, ये जो सेल्फ स्टडी है ना, मैंने क्या कहा, एजुकेटर के साइड 50% और अपने साइड से 50%। हम लोग जितने भी हैं, आपको मैं ओपन बता रहा हूं, जितने भी एजुकेटर मार्केट में हैं, जितने भी, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट सेल्फ मेड है, क्योंकि हम किसी दूसरे का सिखाया हुआ चीज आगे लेके कैरी ऑन नहीं कर सकते, वो हमारा नेचुरल नहीं है। हमने जो जो मेथड्स आपको बताए वो नेचुरल, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ इन्वेंट किया, नहीं, ये ऑलरेडी इन्वेंटेड है, हमने उनके ऊपर काम किया, सेल्फ मेड मतलब हम खुद उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करके आज इस मुकाम पे पहुंचे ताकि आपको हम समझा सके। हमें किसी दूसरे टीचर ने नहीं बनाया है, हम खुद खुद को बना रहे हैं, दूसरों के मेथड्स देख देख के सीख सीख के उनको खुद इंप्लीमेंट करते करते। तो यहां पे भी आपको मैं सेम सजेशन दूंगा कि आप ज्यादा सेल्फ स्टडी पे भी फोकस करें। हम लोग आजकल के चक्कर में क्या होता है ना, ज्यादा नंबर ऑफ एजुकेशन वीडियो, ज्यादा नंबर ऑफ फ्री वीडियो, ज्यादा नंबर ऑफ पेड वीडियो, सब वीडियोस अवेलेबिलिटी के चक्कर में हम सब कुछ देखने के चक्कर में रह जाते हैं। नहीं, लिमिटेड देखिए, सीखिए चीजों को, बस अप्लाई इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट, ये चीज प्रॉपरली करना होगा। तो आपको कोई एक टॉपिक में स्टक होके नहीं रहना है, आगे बढ़ते चलना है। और यहां पे एक वर्ड लिखा है, बी ऑप्टिमिस्टिक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद है स्कूल के टाइम पे अगर हमसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता था तो हमारा चाइल्डहुड मतलब जो हमारा दिमाग है ना, इतना ऑप्टिमिस्टिक था ये क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन आज आप लोग उसी क्वेश्चन पे अटक के रह जाते हो कि अगर ये मेरे पेपर में आ गया तो वही एकाध सवाल के वजह से ना आपका कितना टाइम वेस्ट होता है, आप कितने देर तक उस चैप्टर में फंसे रहते हो, ये आप समझ नहीं पाओगे, आपके समझ के परे। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे, एनकाउंटर आप सामने करोगे, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे। आजकल हमसे भी डाउट क्लियरिंग सेशन में जब आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो तो हम क्या कहते हैं, ऑनेस्टली बोल रहा हूं कि मैं इसको थोड़ा देख के 2-3 दिन के बाद बताऊंगा, बोल रहा हूं या नहीं। अगर मैं आज भी बोलूं अरे टाइम एंड वर्क का मेरा ये क्वेश्चन फंस गया तो मुझे टाइम एंड वर्क फिर से पढ़ना होगा, मैं ऐसा नहीं हूं, क्योंकि हम आगे जा चुके हैं, मैच्योरिटी लेवल जो है ना हम पार कर चुके हैं। तो आप उस मैच्योरिटी को आइए, उल्टा जो क्वेश्चंस आपको नहीं बनते ना, वो क्वेश्चन देख के आपको एक पॉजिटिव सेंस ऑफ जेस्चर लेना होगा, क्या कि अरे यार इससे मुझे कुछ नया सीखने के लिए मिला और ये चीज गलत नहीं होगा, मैंने कुछ नया सीखा। तो ऐसे करके इसको पॉजिटिव जेस्चर के साथ मूव ऑन, आगे बढ़ते रहिए, एक जगह पे स्टक होके कभी मत रहिएगा। और हमने पास्ट में यही किया था, हम मूव ऑन करते थे, बहुत फास्ट मूव ऑन करते थे। और इतना फास्ट मूव ऑन करने का सबसे बड़ा रीजन क्या पता है, हमें पता है कि हम पूरा का पूरा सिलेबस अभी जो है वो एक बार कंप्लीट कर रहे हैं पूरे एंडिंग ऑफ द डे, क्योंकि हम एक टाइम पे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट छोड़ रहे थे। आपके पास कुछ कुछ डिसएडवांटेज है, आप लोग ना हमारा साथ कभी छोड़ नहीं पाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि जब तक सिलेक्शन नहीं है तब तक हमें पूरा का पूरा बेसिक तब तक पढ़ते रहना। नहीं, बेसिक सिर्फ एक ही बार पढ़ना है मेरे दोस्त, बेसिक सिर्फ फाउंडेशन एक ही बार पढ़ना होता है, मल्टीपल टाइम फाउंडेशन पढ़ के आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। हम लोग 3 महीने के बाद जब अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया तो हमारा पहला टास्क था, हमने माइंडसेट किया था, क्योंकि स्कूल टाइम से मेरा वही चीज है कि मैं 2 बार तो किसी चीज को रिवाइज करके ही पेपर पे जाऊंगा। तो मैंने पूरा 3 महीने के बाद एक बार फाइनल रिवीजन पूरा का पूरा चीज दिया था, तब जो चीजें मुझे लैक किए थे वो चीजें फिर से मेरे दिमाग में स्टोर हो गए। तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस बाय विच यू नीड टू कंप्लीट योर सिलेबस। आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस रास्ता थोड़ा और कठिन होगा, लेकिन आपको सामना करना पड़ेगा। कैसे सामना करना पड़ेगा, क्या, हाउ टू कैरी ऑन आफ्टर कंप्लीटिंग सिलेबस, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको कैसे आगे बढ़ना है। सबसे पहले गो थ्रू एवरी सब्जेक्ट ऑन ए डेली बेसिस, ऐसा नहीं कि आप कोई भी सब्जेक्ट को इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि इसी जनरल अवेयरनेस को जैसे मैंने इग्नोर किया मैं खामियाजा भुगता, 1 साल मेरा पहला बर्बाद हुआ। इसीलिए आपको मैं कहना चाहता हूं कि सारे सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। जब आप सारे सब्जेक्ट पे फोकस करोगे, आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो आपको भी पता है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इंपॉर्टेंट क्या है, सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज है, मिसिंग नंबर सीरीज है, रॉन्ग नंबर सीरीज है, अरिथमेटिक है, डीआई है, तो आपको डेली बेसिस पे इनके थ्रू जाना है। तो क्यों ना अगर मैं सारे के सारे थ्रू जाऊं तो मेरे पास क्या क्या रास्ते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। एक तो आपके पास बुक्स होंगे, उस बुक से क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन बुक्स लिमिटेड होगा, बुक्स में एक दिन आएगा, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन डीआई सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बुक्स से बेटर सोर्स यहां पे मैं कह रहा हूं, बेटर क्यों, क्योंकि थोड़ा वाइड नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए आप पीडीएफ बंडल ले सकते हो। कहां है, आप पीडीएफ बंडल ले सकते हो,
लेकिन बहुत से लोगों को पीडीएफ बंडल क्या होता है ना, क्योंकि जब आप पीडीएफ बंडल करने लगते हो तो वहां पे सिंप्लीफिकेशन के 20 क्वेश्चन रहते हैं, अप्रोक्सीमेशन एक ही पीडीएफ बंडल में अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन रहते हैं, क्वाड्रेटिक के 20 क्वेश्चन, तो वो क्या होता है ना आपको थोड़ा हेक्टिक लगने लगता है कि कुछ ज्यादा नहीं हो रहा मैं कुछ, क्योंकि 5 दिन 10 दिन तक तो मजा लगेगा कि मैं बढ़िया कर रहा हूं इस एग्जाम के लिए, जबरदस्त तैयारी कर रहा हूं, लेकिन 10 दिन के बाद हम सब ह्यूमन है तो हमें ऐसा लगेगा कि कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, डेली बेसिस पे 30-30 अरिथमेटिक बना रहा हूं क्या। तो वहां पे जब ऐसा फीलिंग आएगा और आप एक लिमिटेड नंबर के पास जाना चाहते हो, क्योंकि मुझे ये थोड़ा ज्यादा लगता था, ये मैं नहीं करता था, मुझे ये थोड़ा, मैंने स्टार्टिंग यहीं से किया था इसलिए मैं अपना पूरा स्टोरी आपको बना रहा हूं, ये मुझे थोड़ा ज्यादा लगा तो मैं आया मॉक टेस्ट के पास। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, साल 2017, उस टाइम पे मैं ऑलरेडी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे पढ़ाना चालू कर चुका हूं, तो मॉक टेस्ट देके उसका प्रॉपर एनालिसिस, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट देके उसका प्रॉपर एनालिसिस करोगे ना तो कम से कम आपको 2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे, क्योंकि 1 घंटे पेपर देने का, और अगर आप एवर एवरेज स्टूडेंट हो जिससे ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके मॉक्स में बन गए तो 2 घंटे, लेकिन अगर आप डिसेंट स्टूडेंट हो एवरेज से हल्का नीचे तो आपको 2.5 घंटे लग जाएंगे। तो मेरे पास 2.5 घंटे एक मॉक के देने के लिए मुझे वर्थ इट नहीं लगा, क्योंकि मेरा दिन भर क्लासेस वगैरह रहते थे, क्लासेस के लिए प्रिपेयर खुद करना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम पे मैं भी पढ़ के पढ़ा रहा था, उस वैसा कंडीशन था। तो मैं क्या कर रहा था, मुझे पीडीएफ बंडल भी ज्यादा लगा और ये मॉक टेस्ट का टाइम भी ज्यादा लगा, तो मैं फोकस कर रहा था सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट का क्या एडवांटेज है आपको पता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज दीजिएगा, सेक्शनल टेस्ट में आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, क्योंकि छोटे छोटे टेस्ट होते हैं। अब 20 क्वेश्चन जब आप सिंप्लीफिकेशन के पीडीएफ बंडल के लेके बैठ जाओगे तो करते 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 किस क्यों कर रहा हूं ये आएगा, लेकिन मेरे दोस्त यहां पे इंटरेस्ट क्यों आएगा, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट के भी आपके रैंकिंग वगैरह होते हैं, तो आपको एक सेल्फ रैंक देखना होता है, एक एक्यूरेसी, एक पूरा निकलेगा, मतलब यहां पे क्या आप खुद से खुद सॉल्व करोगे, आंसर सॉल्यूशन मिलाओगे, वो मजा नहीं आएगा। जब एक पूरा टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट निकल के आएगा कि कितने क्वेश्चन करेक्ट है, कितने क्वेश्चन गलत है, कितना एक्यूरेसी है वगैरह, तो ये कहीं ना कहीं आपका एक इंटरेस्ट पैदा करता है पढ़ने पे। और साथ ही साथ जब आप छोटे छोटे सेक्शनल टेस्ट देते हो ना, यानी कि सपोज मैंने टेस्ट दिया किसका, अप्रोक्सीमेशन का या क्वाड्रेटिक का, तो एक ही टाइप के क्वेश्चन जब मैं ज्यादा नंबर ऑफ करता हूं तो मेरा स्पीड बढ़ने लगता है। तो सेक्शनल टेस्ट बहुत हेल्प करता है आपके स्पीड को बढ़ाने के लिए, और जब आप इन टेस्ट को देखे जल्दी जल्दी उसका एनालिसिस करोगे और वहां पे एरर्स को पकड़ोगे कि कहां एरर हो रहा है, और जब उस एरर को आप सुधारने के लिए अगले सेशन पे जाओगे तो वहां पे आपका एक्यूरेसी भी डेवलप होगा। मतलब एक ऐसा चीज जिसको शायद आप इग्नोर कर रहे थे, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इंटरेस्ट, स्पीड, एक्यूरेसी, इन सबको बढ़ाने के लिए, वो है सेक्शनल टेस्ट। मैंने सबसे ज्यादा हेल्प लिया है इसी चीज का, और मैं उस टाइम पे बोलने के लिए हेजिटेट नहीं करूंगा, उस टाइम पे हमारा अड्डा 24/7 जो ऐप था ना, उसमें ही हमें सेक्शनल टेस्ट सबसे ज्यादा मिलता था। मैंने पुराने वीडियोस भी आपको बनाए हुए हैं, वहां पे भी मैंने आपको बताया हुआ है। वहां पे क्या होता है ना, आपके सिलोजिज्म के 20 क्वेश्चन का टेस्ट, इनइक्वालिटी का 20 क्वेश्चन का टेस्ट, अप्रोक्सीमेशन का 20 क्वेश्चन का टेस्ट, मजा आता था, रैंकिंग निकल के आएगा, रैंक 1 में आना है, 20 क्वेश्चन 20 आउट ऑफ 20 करने के बाद 7-8 मिनट के बाद भी रैंक 1 नहीं आ रहा होगा, भाई बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, तो ये एक इंटरेस्ट देता था, क्योंकि फुल लेंथ मॉक में 1 घंटा इंतजार करना पड़ता था, तो ये चीज आप एडवांटेज ले सकते हो। सेम चीज अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में, आपने देखा कि रीजनिंग में आपको इनइक्वालिटी पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ना है, आपको सिलोजिज्म पढ़ना है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट पढ़ना है, ब्लड रिलेशन पढ़ना है, सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है, पजल्स पढ़ना है, इतना डेली करना है तो या तो मैं पीडीएफ बंडल से कर लूं, या तो मेरे पास समय है तो मॉक टेस्ट देके उसका प्रॉपर एनालिसिस कर लूं, या तो मैं सेक्शनल टेस्ट से इन सब चीजों को कवर करूं। तो प्रॉपर मोटो यह है कि आपको डेली बेसिस पे सारे चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स के अंदर, सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स के थ्रू जाना है, जिससे कि आपका स्पीड जो है वो बरकरार बना रहे। अगर मैं बात करूं इंग्लिश का, तो इंग्लिश पे यहां पे मैंने जो गलतियां की है मैं एक बार बता देता हूं। तो मुझे क्या अच्छा लगता था, मुझे एरर डिटेक्शन करना अच्छा लगता था, मुझे फिल इन द ब्लैंक्स करना अच्छा लगता था, क्लोज टेस्ट करना अच्छा लगता था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना अच्छा लगता था, मिसस्पेल्ड वर्ड्स सॉल्व करना अच्छा लगता था, वर्ड स्वैप अच्छा लगता था। अच्छा क्या नहीं लगता था, अच्छा नहीं लगता था मुझे आरसी, तो मैं ये नहीं करता था, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट में मेरे पास है राइट, मॉक टेस्ट में भी मैं आरसी को स्किप मार देता था पूरा, उसका खामियाजा मुझे क्या भुगतना पड़ा। इससे आपको क्वेश्चन जो भी प्रीलिम्स जाओगे 8-9 मार्क के मिलेंगे। तो आपका क्या होता है, मेरा हर बार स्कोर क्या हुआ ना, एक डिसेंट आ गया 15-16 हर बार, आपने देखा होगा। तो जब कट ऑफ जाता है 10-12 10-11, तो मेरे कट ऑफ यहां से 15-16 से मैं खुश था, बिकॉज मेरे पास जो स्ट्रेंथ था वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग था, जहां पे मैं 32-33 तक खींच पा रहा हूं पीओ के पेपर में। क्या आप इतना तक खींच पाओगे, आप हार्डली 27-28-29 पे जाके रह जाओगे ना, तो वहां पे जो 3-4 मार्क का आपका डेफिसिट है वो कहां पे आपको कंपेंसेट करना है, इंग्लिश में। तो ये चीज आरसी आपको बनाने पड़ेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स आपको जाना पड़ेगा।
तो इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि डेली बेसिस पे आपको ये सारे चीजों को कवरअप करने के लिए रास्ता बढ़िया है, या तो आप पीडीएफ बंडल का सहारा लीजिए, ये लीजिए ये, बट इंग्लिश के लिए मैं आपको मॉक टेस्ट जाने के लिए कहूंगा, क्योंकि एक मॉक टेस्ट में ही आपको ये कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा और इंग्लिश में आपको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मन भी नहीं करेगा। क्वांट की तरह, रीजनिंग की तरह, ये लॉजिकल दिमाग वाला खेल नहीं है ना, ये ऑलरेडी जो फिट है उसी को निकालना है ना, तो इसमें मजा नहीं आता, सच बताओ। तो इसीलिए क्या करते हो, इसमें लिमिटेशन लगाने के लिए आप मॉक टेस्ट का सहारा ले सकते हो। एंड मॉक टेस्ट का एक सबसे ज्यादा बेनिफिट जो आपको इंग्लिश में मुझे मिला था वो ये था कि जब मैंने क्वेश्चन के टाइप्स देखा तो एरर डिटेक्शन में कॉमन टाइप्स आए कि यही टाइप्स, कि यही टाइप का एरर बहुत बार पूछा जा रहा है, यही टाइप के आपके ये सब तो नहीं होगा, क्लोज टेस्ट में ऑप्शन एलिमिनेशन का क्या रोल रहता है। तो जैसे जैसे करके आप इन चीजों को ना मॉक टेस्ट के एनालिसिस से भी सीखते जाओगे। बहुत से लोग कहते हैं कि आपको मॉक टेस्ट के एनालिसिस से इंग्लिश में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट मुझे मिला है, क्योंकि मैं भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूं इंग्लिश में, मैंने खुद सारे सेक्शनल कट ऑफ उसी चलते ही क्लियर किए, क्योंकि एरर्स के टाइप्स, जो ग्रामेटिकल पार्ट है ना उसके जो पोर्शन है ना वो लिमिटेड रहते हैं, जो कि आपको सॉल्यूशन मॉक टेस्ट के एनालिसिस जब सॉल्यूशन रेफर कर रहे होगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। और रही बात जनरल अवेयरनेस की, तो इसमें मैंने कभी फोकस नहीं किया था, एंड दैट्स द रीजन मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन पूरा का पूरा रुक गया था। और एवरी टाइम मेरा फर्स्ट बार जो मेंस एग्जामिनेशन है, सारे मेंस मैंने लिखे थे एक्सेप्ट एसबीआई पीओ मेंस, इसमें अगर वो लिख लेता तो शायद वो हो सकता था, क्योंकि उसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं था, बट भगवान का मर्जी, वो तो प्री क्लियर नहीं करवाए दिए मेरा, ठीक है। तो चलो, तो मेंस एग्जामिनेशन में जनरल अवेयरनेस का मेरा सेक्शनल कट ऑफ कभी क्लियर नहीं हुआ, तो इसीलिए प्लीज डोंट इग्नोर दिस। अगर आप इसको इग्नोर नहीं करोगे तो सर इसके लिए करना क्या पड़ेगा, बड़ा सिंपल सा चीज मैं आपको बता रहा हूं। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको दो चीजें करने हैं, अभी से आपके पास जितने टाइम है, ये मैं एक्स्ट्रा कह रहा हूं, ये मैंने कभी किया नहीं है। क्या हुआ ना, मैंने वीडियो लेक्चर देखना चालू किया था बट मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगा, इसीलिए मैं नहीं कर पाया, और मैं एग्जामिनेशन के बाद पीडीएफ से ही क्वेश्चंस लगा रहा था, मतलब पीडीएफ से ही पढ़ रहा था। तो अभी आपके पास समय है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जिन भी एजुकेटर्स के साथ आपका कंपैटिबिलिटी फिट बैठ है ना, आदत करो डेली एक एक घंटा ये वीडियो लेक्चर्स देख के उसके नोट्स वगैरह बनाने के लिए। ये जो हैबिट है ना, ये आपके दिमाग के रिटेंशन पावर को बढ़ाएगा, और बाद में अचानक से जब प्री क्लियर होगा तो मैं आपको ये जनरल अवेयरनेस पार्ट नया नया फील नहीं होगा। बहुत मेरे साथ हमेशा क्या होता था, अरे यार इतना कम टाइम में कभी भी नहीं होगा, लेकिन जब आपसे कुछ ऐसा नहीं कि आपको एक घंटा का जो पढ़े वो पहले दिन वाला चीज दूसरे दिन को याद रहना चाहिए ना, इट्स अ फ्लो, इट्स टू मेंटेन अ फ्लो। एक महीना तक ये हैबिट इनकल्केट कीजिए, मैं आपको वही कहूंगा कि एक एक घंटे के वीडियोस देखिए, चाहे कुछ रिटेन हो ना हो, हैबिट होना चाहिए, क्योंकि यही चीज जो हैबिट नहीं होता ना, जिसके वजह से आप फ्यूचर में पढ़ नहीं पाते हो। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है। कितना टाइम हुआ, बस तो काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। अब हम फोकस करेंगे क्या, आपके पास तीन पैरामीटर है, स्पीड है, एक्यूरेसी है और परसेंटाइल है। तो आपको किसके ऊपर फोकस करना है, मैं आपको एक चीज कहूंगा कि स्पीड के ऊपर आपको कभी भी फोकस नहीं करना है, आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए वो एक्यूरेसी पे होना चाहिए और परसेंटाइल पे होना चाहिए। यहां पे भी कैसा होना चाहिए, एक्यूरेसी के लिए मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं जब मॉक्स दे रहा था ना, जब भी, तो मेरा बस एक मोटो था कि एक्यूरेसी 100% हो, कसम से बोल रहा हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, मैंने अपना रूटीन लिखा है तो ये मैं सच बता रहा हूं, दिस इज द मेन चीज आई वाज फोकसिंग ऑन। और सेकंड चीज है, आई डोंट केयर अबाउट द परसेंटाइल एग्जैक्ट नंबर व्हाट आई एम अटेनिंग, नॉट ऑन द नंबर, बट आई ऑलवेज वांटेड दैट नंबर टू गेट इंक्रीज्ड, समझ रहे हो ना। आई डोंट केयर द फर्स्ट टाइम आई एम अपियरिंग द एग्जामिनेशन आई एम गेटिंग ए परसेंटाइल ऑफ 40% इवन परसेंटाइल, मुझे नहीं मतलब, नेक्स्ट टाइम इट शुड बी 40+, नेक्स्ट टाइम इट शुड बी 45+, 50+, इट शुड बी गेट एनहेंस्ड, ये चीज जो है वो बढ़ते रहना चाहिए बस। तो आपको इन दोनों चीजों पे फोकस करना है, स्पीड के ऊपर क्यों काम नहीं करना, क्योंकि स्पीड एक नेचुरल चीज है, जो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप में वो बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या होता है ना, आप जितना भी प्रैक्टिस करो तो एक मिनिमल टाइम जो है वो तो लगना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का दोनों रूट्स निकाल के कंपेयर करने के लिए 10 सेकंड का तो मिनिमम टाइम लगेगा, अब आप रॉकेट तो नहीं हो जाओगे, 2 सेकंड में क्वाड्रेटिक बना दोगे तो इम्पॉसिबल है। तो यहां पे आपको एक काम करना है, आपने अपने प्रैक्टिस करके अपने स्पीड को जितना हो सके बढ़ा लिया, अब आप दूसरे तरीके से जो स्पीड बढ़ा सकते हो वो है अप्रोच, अपने अप्रोच को चेंज करो, ट्रेडिशनल एक्स वाई जेड घटिया अप्रोच को छोड़ के आप कोई नया मॉडर्न एडवांस अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें इक्वेशन फ्रेमिंग के बजाय आप सीधा पढ़ पढ़ के नंबर्स को लिंक करके पार्ट्स में डील करके आंसर निकाल सकते हो। तो ट्राई टू फोकस ऑन बोथ द थिंग, प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, जिससे आपका स्पीड नेचुरली बढ़ता है, और आर्टिफिशियल वे में अगर आप अपने स्पीड को बढ़ाना चाहते हो, नीड टू फोकस ऑन अप्रोच।
हम क्या करते हैं ना, घिसे बेटे वही चीज को लेके चलते हैं, तो स्पीड कैसे बढ़ेगा? एक मिनिमल टाइम जो है वो हमने ऑलरेडी अटेंड कर लिया, उससे और स्पीड बढ़ेगा नहीं। स्पीड बढ़ाने के लिए जो आपको अभी शॉर्ट हो रहा है वो है अप्रोच। तो नए नए टेक्निक्स, इनको फोकस कीजिएगा, ठीक है। और बाकी अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूं, तो ऑब्वियस बात है आपके पास अभी वीडियो लेक्चर्स हैं प्रैक्टिस के लिए, जैसे कि मैं, दूसरे एजुकेटर्स आप लोगों को मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा रहे हैं, वहां से भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हमारे टाइम पे वो सब नहीं था, तो ये एक एडवांटेज एक्स्ट्रा आपके पास है। आप दूसरे एजुकेटर्स से मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस उनके साथ कर पाओगे, एक भीड़ के साथ, जैसे कि आपको मन बना रहे। अब लास्ट चीज कि सर मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने प्रैक्टिस करने का तरीका भी सिखा दिया, अब सर क्या मैं मेंस के लिए साइमल्टेनियसली पढ़ूं? सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जब आप सिलेबस को कंप्लीट करते हो किसी भी एजुकेटर से, तो वो आपको जो फाउंडेशन फंडामेंटल्स पढ़ाता है ना, वही फंडामेंटल्स इक्वली इंपॉर्टेंट है प्री क्वेश्चन को और मेन्स क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। मतलब उसने अपना काम कंप्लीट कर दिया, अब आपका काम क्या है? मेन्स के क्वेश्चन लेंदी होते हैं, तो आपका पेशेंस क्वेश्चन को रीड करने में थ्रू आउट बरकरार रहना चाहिए, क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड, क्योंकि उसका लैंग्वेज काफी घुमा फिरा के देगा, स्ट्रेची करके देगा, तो उस क्वेश्चन के लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है। उसमें बहुत छोटे छोटे ब्रेकेज, जिसमें अलग 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 पार्ट्स में क्वेश्चन को सॉल्व करते 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 मर्ज करके आंसर करना है, तो पेशेंटली आपको हर एक हिस्से को धीरे 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 टैकल करना है, और उसके बाद ही सॉल्यूशन आएगा। मतलब इट्स ए सबमर्ज्ड कंडीशन ऑफ 2 to 3 प्री लेवल क्वेश्चन ओनली, बट इतना लेंथ, इतना पेशेंस ना होने के कारण हम इन मेंस के क्वेश्चन को एक अलग क्राइटेरिया दे देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सिलेबस कंप्लीट किया है किसी भी एजुकेटर से, वो आपको प्री प्लस मेंस का फाउंडेशन दिया है, इट्स योर जॉब कि अब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के थ्रू एक बार जाएं, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि एक्चुअली मेंस का लेवल क्या है, क्योंकि मार्केट में मेंस ये है वो है करके रहते हैं, लेकिन जब आपने लास्ट ईयर का आरआरबी पीओ मेंस का पेपर देखा, बच्चे बोल रहे सर ये मेंस है, ये तो प्री लग रहा है, तो वही है, आप अपने पेपर को एक बार देखो तब आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअली लेवल क्या है। दूसरा चीज, आप अगर सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो मैं आपको इतना सजेस्ट करूंगा कि 2 mocks एक वीक में, बच्चे बोलते हैं ना सर मैं डेली मेंस का एक मॉक दे रहा हूं, आप नहीं दे रहे हो, आप अगर दे रहे हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप उसका प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज एक मेंस का मॉक एनालिसिस में काफी ज्यादा टाइम लगता है, मतलब एक एक दिन लग जाते हैं, 5-6 घंटे लग जाते हैं, तो प्लीज ट्राई टू गिव 2 mocks इन ए वीक, जो मैं करता था, हालांकि मुझे थोड़ा इतने मतलब स्टार्टिंग इसमें से मैंने किया था 2 mock, लेकिन फिर कंटिन्यू नहीं कर पाया था, मैं वीक में एक मॉक देता हूं, सैटरडे संडे मेरे क्लासेस नहीं हुआ करते, तो मैं उसमें ज्यादा एक एक मॉक देने की फोकस में रखता था, और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स जो हमारे टाइम पे अवेलेबल नहीं था, जो आपके पास अवेलेबल है, सारे एजुकेटर्स जो आपके मेंस के जो कोर्सेस जो क्लासेस ले रहे हैं उन क्लासेस को जरूर से देखिएगा, आपको और एडवांटेज मिलेगा। तो मेंस के लिए ऐसा अलग से कुछ मैं ले लूं, बुक ले लूं, पीडीएफ ले लूं, कोई जरूरत नहीं, जस्ट स्टिक टू 1 particular mock, उसके 2 mocks एक वीक में देते रहिए, सारे एग्जामिनेशन इस पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, इतने सारे मॉक्स मिल जाएंगे, 2 mocks वीकली अगर आप देते रहेंगे ना, तो एग्जामिनेशन के टाइम पे आप रेडी हो जाएंगे और उसके सॉल्यूशन को प्रॉपरली सीखिएगा। एंड वन थिंग, इमीडिएट सॉल्यूशन रेफर इज अ सिन, इमीडिएट सॉल्यूशन कभी मत देखिएगा, वो आपको बहुत पुअर बना देगा। एंड लास्ट थिंग, डोंट हरी एंड सबमिट द टेस्ट इमीडिएटली एंड आफ्टर दैट स्टार्ट एनालिसिंग इट, नो, ये सबसे गलत तरीका है, इमीडिएट सबमिट कभी नहीं करना है, थोड़ा समय लेके ही क्वेश्चंस को पूरा का पूरा, क्योंकि जो मेन खेल होता है वो पेशेंस का होता है, तो हम क्या, मैं तो अपने टाइम में क्या करता था, पूरा का पूरा 3 घंटे का मॉक देता था, जिससे कि बैठने का आदत जो है वो बना रहे, बच्चे कॉन्सेप्चुअली साउंड हो जाते हैं, लॉजिकली साउंड हो जाते हैं, टैलेंटेड हो जाते हैं, लेकिन बैठने का हालत उनमें नहीं रहता 3 घंटे। तो प्लीज इतने चीजों पे आप बस ध्यान दीजिए कि पूरा का पूरा मॉक को कंप्लीट कीजिए, उसका सॉल्यूशन इमीडिएट मत देखिए, आराम से उसके टाइम और लीजिए और पूरे सॉल्यूशन को देखिए। तो उम्मीद करता हूं मैंने अपना जो फॉलो किया था पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी वो मैंने आप तक रख दिया पूरा का, अब आपकी मर्जी आप इसको कैसे लेते हो कैसे नहीं, मेरे तरफ से यही था। सेशन अगर पसंद आया होगा तो एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बाकी और कुछ स्लाइड नहीं है, मेरा नाम कौशिक मोहंती है जैसे आप सभी को पता है, तो आपको मैं यूट्यूब, करियर डिफाइनर और अनएकेडमी दोनों जगह पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूं, ये मेरा अनएकेडमी का प्रोफाइल है, यहां मुझे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे आपके पेड के अलावा फ्री क्लासेस भी 4 बजे चलते हैं। तो साथ ही साथ आपका अनएकेडमी का एक भुवनेश्वर मीटअप भी है, पता होगा आपको भुवनेश्वर मीटअप आपका कल यानी कि 16th of May को है, और दोपहर 12 बजे अनएकेडमी के सेंटर पे, सर्च कर दीजिएगा अनएकेडमी सेंटर, जो कि कलिंग स्टेडियम चौक पे है, और दोपहर 12 बजे मैं आपसे वहां पे मिलने आ रहा हूं, तो जरूर से आ जाइएगा। और साथ ही साथ अगर आप ये कोर्सेस जो कि हमारा कंप्लीट एरिथमेटिक का कोर्स और एक आपका मेंस लेवल डीआई का कोर्स, इनको एक्सेस करना चाहते हो, तो प्लस का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, जिसके लिए रेफरल कोड अगर आपको इस्तेमाल करना हो तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो CD Live, ताकि आपको आपका मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल सके, और ये क्रेडिट पॉइंट्स है इनको भी रिडीम कर दीजिएगा, ताकि जितने पॉसिबल डिस्काउंट के आप हकदार हो आपको मिल सके। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद मी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।